हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारे ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी। से बनाना बहुत ही ईजी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 पाव ग्वार की फली ली है, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और बाद में उसे 1/2 से 1.25 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया। आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। साथ ही में मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें भी मैंने धोकर मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही में मैंने 1 प्याज लिया है, इसे मैंने थोड़े मोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। 1 टमाटर लिया है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची ली है। साथ ही में 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है और ये 1 चम्मच अचारी मसाला लिया है। ये मार्केट में रेडीमेड हमें मिल जाता है। ऑयल लिया है सब्ज़ी बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जो जीरा हमने लिया है वो डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए मैंने जीरा ऑयल में डाल दिया है। जब भी आप जीरा ऑयल में डालें, ऑयल अच्छे से गर्म हो इस बात का ध्यान रखें। हमें कभी भी कम गर्म ऑयल में जीरा नहीं डालना है। साथ ही में मैंने इसमें अब गवार की फली जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ऑयल गवार की फली पर अच्छे से लिपट जाए। ये देखिए मैंने गवार की फली को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को लो ही रखा है। अब मैं इसमें आलू को भी वॉश करके डाल दूंगी। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग भी कुक कर सकते हैं, पर मैंने इकट्ठा ही कुक करूंगी। ये देखिए मैंने आलू को भी इसमें वॉश करके डाल दिया है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें गवार की फली और आलू को अच्छे से मिक्स कर देना और इन्हें लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए या फिर आलू और फली के सॉफ्ट होने तक पकाना है और बीच बीच में इन्हें हमें चलाते रहना है। ये देखिए हमारी फली और आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए आलू फली अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में से चलाते रहेंगे। 4 मिनट हो गए हैं। एक बार आलू को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और चेक कर लेते हैं हमारी ग्वार की फली और आलू पके हैं या नहीं। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ ऑयल का ही यूज़ किया है, हमने पानी नहीं डाला है। ये देखिए हमारे आलू सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। प्याज और टमाटर को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें फली, आलू और प्याज टमाटर चारों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रखें हमें आलू फली को स्टार्टिंग में थोड़ा 80% के करीब ही कुक करना है। उन्हें हमें पूरा कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हम प्याज टमाटर को मसालों के साथ कुक करेंगे तो वो और भी कुक होंगे। इसलिए हमें इन्हें 80% के लगभग ही कुक करना है। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। मैंने ढक्कन लगा दिया लूँगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गई हैं। एक बार इसे मिलाकर चेक कर लेते हैं ये कुक हुए हैं या नहीं। यह गवार की फली और आलू बनाने का गवार की फली की और आलू की सब्ज़ी बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आप बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टमाटर को तोड़कर चेक कर लेती हूँ। देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, यानी कि हमारी सब्ज़ी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें जो अचारी मसाला हमने लिया है वो डालेंगे। अचारी मसाला मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है। आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना को बारीक पीस लें। ये देखिए अब मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास अचारी मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर सब्जी मसाला
का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी गवार की फली और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अचारी मसाला डालने से इसमें थोड़ा थोड़ा अचार जैसा टेस्ट आने लगता है। ये देखिए मैंने इसमें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर कुक करें ताकि जो हमने गरम मसाला और अचारी मसाला डाला है उसका फ्लेवर भी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से चला जाए। पर 1 से 2 मिनट हो गई है, अब हम ढक्कन हटाकर एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे चपाती, पराठा, पूरी जिस चाहे के साथ भी सर्व करें, यह खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको गवार की फली और आलू की यह सब्ज़ी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।